मूवी की शुरुआत में हमें जेक नाम का पुलिस वाला दिखाया जाता है जो रोजाना की तरह पेट्रोलिंग करते हुए अपने पार्टनर से बातें करने लगता है। वेल, जेक का पार्टनर इस नाम का पुलिस डॉग था, जो डॉग जेक के लिए उसकी फैमिली से भी बढ़कर था, तो वो अपना मन लगाने के लिए इससे बातें किया करता था। मगर किस्मत ने आज उनके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखी थी, जहाँ जेक को पेट्रोलिंग के दौरान कार चोरी की रिपोर्ट आने लगती है, जो फिर जल्दी से इंसिडेंट वाली जगह पर चला जाता है, जहां पर पहले से ही कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। तो उनमें से एक पुलिस वाला जेक को क्लियर कर देता है कि गाड़ी का ओनर एक चाइनीज है, मगर उसने अपनी गाड़ी चोरी करने की रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखाई थी। जो बात सुनकर जेक काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि जब गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखाई नहीं गई तो ये कार्रवाई क्यों करवाई जा रही है, जिस पर वो पुलिस वाला उसे क्लियर कर देता है कि इस गाड़ी को एक क्रिमिनल चला रहा था, जो पुलिस कार देखते ही गाड़ी छोड़कर भाग गया था, जो कि अपने आप में काफी अजीब है। तो ये सब जानकर जेक भी सीरियस हो जाता है, जो अपने पार्टनर एस के थ्रू गाड़ी को चेक करवाने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली एस ने गाड़ी में कुछ स्मेल कर लिया था, तो वो लोग गाड़ी के ट्रंक को फोर्सफुली ओपन करने लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ट्रंक में काफी सारा ड्रग्स मौजूद था, जिसे देखकर ये पुलिस वाले एहसास हो जाता है कि वो बंदा कोई ड्रग डीलर है जो इन ड्रग्स को स्मगल करना चाहता था। जो लोग फिर एस के थ्रू उस क्रिमिनल की तलाश करने लगते हैं, मगर वो क्रिमिनल काफी ज्यादा चालू था, जो पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कई पुलिस वाले इंजर्ड हो जाते हैं। साथ ही जो पुलिस वाले ड्रग्स को चेक कर रहे थे वो भी कार ब्लास्ट में मारे जाते हैं। ऑब्वियसली क्रिमिनल्स ने एविडेंस मिटाने के लिए कार में बॉम्ब्स लगा रखे थे, जिससे एक पुलिस वाला मारा जाता है। तो ये सब देखकर जेक की पूरी तरह से सनक जाती है, जो एस की हेल्प से उस क्रिमिनल को चेज करने लगता है, जहां जेक काफी मेहनत के बाद उस क्रिमिनल तक पहुंच जाता है। मगर वो क्रिमिनल अरेस्ट होना नहीं चाहता था, जो जेक पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। मगर जेक भी गजब का फाइटर था, जो मौका मिलते ही उस क्रिमिनल को गोलियों से भून देता है, जिससे वो क्रिमिनल ऑन द स्पॉट मारा जाता है। यानी अब ये केस खत्म हो चुका था, मगर न जाने क्यों जेक को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, तो वो जल्दी से अपने पार्टनर एस के पास चला जाता है, जो अब तक किसी नशे का शिकार हो चुका था। तो उसकी खराब हालत देखकर जेक काफी ज्यादा डर जाता है, जो ऑब्वियसली एस का इलाज करवाना चाहता था, मगर इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक डॉग को ट्रीट करने से पहले पुलिस वालों को ट्रीट करना चाहता था। मगर ये सब जानकर जेक की पूरी तरह से सनक जाती है, जस्ट मेडिकल स्टाफ को अच्छे से कूटने लगता है, मगर उसे एहसास नहीं हुआ था कि इस सब की वीडियो बना ली गई थी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस डॉग एस का फ्यूनरल कराया जा रहा था। तो अपने पार्टनर का फ्यूनरल देखकर जेक काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि अब उसकी आखिरी फैमिली भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तो अपने पार्टनर की ग्रेव के सामने जोर जोर से रोने लगता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां अब जेक का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। साथ ही एस की डेथ को लेकर उसे डाउट होने लगते हैं, क्योंकि एस की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। तो वो एस की मौत को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिसके बाद हमें पुलिस वालों की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर इंटरनल अफेयर्स के सामने जेक का इंटरव्यू चल रहा था, जो न जाने क्यों जेक को पागल करार करना चाहते हैं, जिससे जेक को भी अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पुलिस वाले उससे कुछ छुपाना चाहते हैं। तो वो इन लोगों से पूछताछ करने लगता है कि मेरे पार्टनर एस की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। साथ ही वो क्रिमिनल पुलिस डॉग्स को कमांड करने की कोडवर्ड्स जानता था, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ट्रेटर मौजूद है, मगर उसकी बातों पर इन लोगों को जरा भी भरोसा नहीं होता है, जहां पुलिस कैप्टन उसे वार्न करने लगता है कि तुम्हें थेरेपी सेशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, वरना तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिस बात पर जेक ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो तो एस की मौत को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, जिस वजह से वो कैप्टन की बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। मगर बाहर जाते वक्त डिटेक्टिव रेमोस उसे रोक लेती है, जो ऑब्वियसली जेक को वार्न करना चाहती थी कि तुम्हारी खबर मीडिया में फैल चुकी है, तो बेहतर होगा पीछे के रास्ते से निकल जाओ। जो बात सुनकर जेक ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तो रेमोस के थ्रू एस की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालना चाहता था,
जिस हेल्प को करने के लिए डिटेक्टिव रेमोस राजी हो जाती हैं, जिसके बाद जेक इंसिडेंट वाली जगह पर चला जाता है जहां वो एस की मौत से रिलेटेड क्लूज की तलाश करने लगता है, मगर काफी ढूंढने पर भी उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। साथ ही उस पर नजर रखी जा रही थी, मगर जाते समय उसे रोड पर एक तरह की बोतल नजर आ जाती है जिस पर अजीब सा सिंबल बना हुआ था। एंड सरप्राइजिंगली उस दिन जो ड्रग्स पकड़े गए थे उस पर भी ऐसा सिंबल देखा गया था, जो देखकर जेक अलर्ट हो जाता है। मगर तभी उसे डिटेक्टिव रेमोस का मैसेज आ जाता है, जो जल्द से जल्द जेक से मिलना चाहती थी। तो जेक कुछ सोचकर रेमोस से मिलने चला जाता है, जो सीक्रेटली जेक को एस की ऑटोप्सी रिपोर्ट दे देती है, जिसे देखकर जेक पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि एस की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत का कारण तो एक तरह का ड्रग्स था, जो सब जानकर उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो लेडी ऑफिसर से सिंबल के बारे में पूछताछ करने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली रेमोस ने सिंबल को पहले भी देखा था, जो जेक को वॉर्न करने लगती है कि बेहतर होगा तुम इस ड्रग और ड्रग डीलर्स के बारे में पूछताछ न करो, क्योंकि इस ड्रग के डीलर्स और उसके मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही पावरफुल लोग हैं, जो बड़ी आसानी से तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, और यकीन मानो पुलिस डिपार्टमेंट भी तुम्हें उनसे बचा नहीं पाएगा। जो सब सुनकर जेक को भी समझ आ जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट उसे बिट्रे नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो जेक के लिए ड्रग मैन्युफैक्चरर से पंगा लेना नहीं चाहते थे। मगर इन सब बातों से जेक पर जरा भी असर नहीं पड़ता है, जो कैसे भी करके इसके कातिलों तक पहुंचना चाहता है। मगर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही टीवी पर न्यूज आने लगती है, जहां पर पुलिस वालों को बदनाम किया जा रहा था। ऑब्वियसली जेक की फाइट को पब्लिक कर दिया गया था, जहां पुलिस वालों की मनमानी को लेकर न्यूज आने लगती है, मगर जेक इस सब पर ध्यान नहीं देता है, जिसके खिलाफ डिटेक्टिव रेमोस उसे एडवाइस करने लगती है कि तुम्हें एस को भूलकर न्यू शुरुआत करनी चाहिए, जो बात जेक के दिल को भी टच कर जाती है। तो वो कुछ सोचकर पुलिस डॉग ट्रेनर ले से मिलने चला जाता है। ऑब्वियसली वो न्यू डॉग को अडॉप्ट करना चाहता था, जहां उसे काफी ढूंढने पर सॉक्स नाम की बिच मिल जाती है, जिसका प्रीवियस ओनर उसे ब्रूटली टॉर्चर किया करता था। जो सब देखकर जेक को रहम आ जाता है, और फिर वो कुछ सोचकर सॉक्स को अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि सॉक्स को स्पेशली नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए ट्रेन किया गया था, और जेक भी ड्रग डीलर्स की तलाश करना चाहता है, जिसके बाद वो सॉक्स को ट्रेनिंग करने लगता है ताकि उसे प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां जेक ने अपना दुख बांटने के लिए एक गर्लफ्रेंड बना ली थी, जो जेक का दुख बांटते हुए अपनी खुशियां शेयर करने लगती है, जिससे वो एस की मौत के गम से बाहर निकलने लगता है। मगर ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सॉक को कुछ टेस्ट देने होंगे, जिसे सॉक बड़ी आसानी से पूरे कर लेती है, यानी जेक फाइनली ड्यूटी ज्वाइन कर सकता था। जो फिर पुलिस डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मर डांटे से मिलने चला जाता है। ऑब्वियसली वो इसके कातिलों के बारे में पता लगाना चाहता था, मगर डांटे सॉक्स को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने सॉक्स को पहले भी देखा था, जो सॉक्स की खातिर जेक को रिवील कर देता है कि जिस ट्रक की तुम तलाश कर रहे हो उसे चाइना बोला जाता है। वैसे भी इस ड्रग के बारे में हमसे ज्यादा सॉक्स जानती है, अगर तुम हेल्प लेना ही चाहते हो तो सॉक्स की हेल्प लो। मगर ये सब सुनकर जेक काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इस सब से सॉक्स का आखिर क्या कनेक्शन है। साथ ही उसे डाउट होने लगता है कि सॉक्स का प्रीवियस ओनर इस ड्रग कार्टल से मिला हुआ था, जिसके बाद जेक डिटेक्टिव रेमोस से मिलने चला जाता है, जहां वो रेमोस की हेल्प से उस कार ओनर का पता लगाना चाहता है जिस कार में ड्रग्स पाए गए थे। तो लेडी उसे इन्फॉर्म कर देती है कि उस कार का ओनर एक चाइनीज है, मगर उसने काफी समय तक अपनी कार चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। ऑब्वियसली वो भी इस सब में शामिल है, तो जेक उसके थ्रू चाइनीज ओनर का पता लगाना चाहता है, मगर लेडी उसे वॉर्न करने लगती है कि तुम्हें इस ड्रग कार्टल से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं, जिससे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी पंगा नहीं लेना चाहता है। मगर फिर भी जेक इंसिस्ट करने लगता है, तो लेडी हार मानकर उसे क्लियर कर देती है कि इस ड्रग को चाइनीज बनाते आ रहे हैं, जो ड्रग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जितने लोग इस ड्रग को लेकर मरे हैं उतने तो वियतनाम वॉर में भी नहीं मरे थे। जो बात सुनकर जेक भी सीरियस हो जाता है,
मगर जेक के इंसिस्ट करने पर लेडी उसे चाइनीज कार ओनर का एड्रेस दे देती है, जो सब जानकर जेक रिवेंज के लिए रेडी होने लगता है। और फिर जेक पेट्रोलिंग पर निकल जाता है, जहां वो ऑब्वियसली चाइनीज ओनर को ऊपर पहुंचाना चाहता था। तो वो चाइनीज के घर जाकर तलाशी लेने लगता है, जहां पर ट्रक्स बनाए जाते थे। मगर न जाने क्यों सॉक को अचानक से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिसे स्मेल करते हुए वो एक रूम की तरफ भागने लगती है, जिसका पीछा करते हुए जेक भी यहाँ आ जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर वो चाइनीज ओनर मौजूद था, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर जेक भी गजब का फाइटर था, जो काफी मेहनत के बाद उस चाइनीज को ऊपर पहुंचा देता है। मगर अब उसे शक होने लगा था कि ये बैड गाइस पुलिस डॉग्स को कमांड करने वाले कोड्स कैसे जानती हैं। जरूर पुलिस स्टेशन में कोई ट्रेटर मौजूद है। मगर जब वो मिथ लैब से मिली हुई बॉटल्स को चेक कर रहा था, तब सॉक्स उसे ध्यान से देखने लगती है, जिससे जेक को भी अंदाजा हो जाता है कि प्रोबेबली सॉक्स इस ड्रग और ड्रग डीलर्स के बारे में पहले से जानती है, जिससे जेक का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां पुलिस कैप्टन को भी पता चल चुका था कि जेक ने उसके ऑर्डर्स को डिसोबे करके एक और गैंगस्टर को ऊपर पहुंचा डाला है। तो वह जेक को पास बुलाकर गालियां देने लगता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो ट्रक के सामने कूद जाओ, हम लोगों को साथ में लेकर डूबने की जरूरत नहीं है। जिस बात पर जेक ध्यान नहीं देता है, जिसके बाद जेक चाइनीज ओनर के घर से मिले क्लूज की छानबीन करने लगता है, जिन्हें इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे जियांगजी नाम की कंपनी के बारे में पता चल जाता है, जो कि चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और जल्द ही ये कंपनी लॉस एंजलस में प्लांट डालना चाहती थी। तो ये सब जानकर जेक को भी एहसास हो जाता है कि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के साथ साथ ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती आ रही है, तो इस कंपनी को एक्सपोज करने का डिसाइड कर लेता है। मगर ये काम उससे अकेले नहीं हो पाएगा, तो वो सॉक्स की हेल्प मांगने लगता है, जो ऑब्वियसली जेक की हेल्प करना चाहती थी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां जेक को इन्वेस्टिगेट करते करते जियांगजी कंपनी का वेयरहाउस मिल जाता है, जिसे सॉक्स भी अच्छे से पहचानती थी। तो वो जल्दी से अंदर जाने लगती है, ऑब्वियसली उसका पीछा किया जाता है, जहां जेक सॉक्स को फॉलो करते हुए एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लैब तक पहुंच जाता है, जहां पर एक बंदा ड्रग्स बना रहा था। तो जेक उस पर गन तान कर पूछताछ करने लगता है, मगर वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसने अब तक सॉक्स को पहचान लिया था। तो जेक उस बंदे को इंटेरोगेट करने लगता है, मगर ये ठग काफी ज्यादा चालू था, जो बड़ी चालाकी से जेक को ट्रक सुंगा देता है, जिससे बेचारा जेक वहीं बेहोश हो जाता है। और जब जेक की आंख खुलती है, तब वो बिल्कुल अकेला था। ऑब्वियसली उसकी पार्टनर सॉक्स को किडनैप कर लिया गया था, जो बात जानकर जेक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसका पहला डॉग तो ऊपर पहुंच चुका था और दूसरे डॉग को किडनैप कर लिया गया है। जिसके बाद जेक को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पर पुलिस कैप्टन की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो बिना हेजिटेशन के जेक को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि वो ऐसे खतरनाक आदमी को काम पर रखना नहीं चाहता था। जो सब जानकर जेक काफी ज्यादा अपसेट था, जिसके दिमाग में सुसाइड करने के ख्याल आने लगते हैं। मगर जब वो पूरी तरह से हारा हुआ था, तब डिटेक्टिव रेमोस यहाँ आ जाती है, जो उसे एक एड्रेस देते हुए इन्फॉर्म कर देती है कि अगर तुम सॉक्स के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इस एड्रेस पर जाना होगा। जो एड्रेस मिलते ही जेक काम पर लग जाता है। वेल, ये एड्रेस एक लंबर फैक्ट्री का था, जहां पर एक मोटू काम किया करता था। मगर फैक्ट्री ओनर को देखकर जेक तंग रह जाता है, क्योंकि ये बंदा भी जेक के पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करता था। तो उसे देखकर जेक को समझ आ जाता है कि यही बंदा सॉक्स का प्रीवियस ओनर है, मगर सैंटियागो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। तो जेक उसे रिवील कर देता है कि कुछ ड्रग डीलर्स ने सॉक्स को किडनैप कर लिया है, जिसे जल्द ही बचाना होगा। जो बात सुनकर सैंटियागो भी अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी सॉक्स को बचाना चाहता था, जो फिर जेक को सारा मांजरा इन डिटेल रिवील कर देता है कि कुछ साल पहले मेरी बेटी बीमार हो चुकी थी, जिसका इलाज कराने लायक मैं पैसे जुटा नहीं पा रहा था। तो ये सब सुनकर जेक काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर फिर भी सैंटियागो उसे क्लियर कर देता है कि मैंने पैसों के लालच में एक ड्रग कार्टल को ज्वाइन कर लिया था, जो पुलिस डॉग्स के थ्रू अपना काम करवाना चाहते थे, जिसमें पुलिस डॉग्स की हालत बुरी हो जाती थी, मगर मुझसे सॉक्स की हालत देखी नहीं गई थी, जिस वजह से मैंने सॉक्स को वापस लौटा दिया था। तो ये सब जानकर जेक को सारा मांजरा क्लियर हो जाता है। और फिर वो सैंटियागो से
बैड गाइस की लोकेशन पूछने लगता है तो सैंटियागो उसे क्लियर कर देता है कि चाइनीज लोग हम लोगों से ओपियम वॉर लड़ना चाहते हैं, जहां हैवी क्वांटिटी में चाइनीज ड्रग मैक्सिको में सप्लाई किया जाता है, जहां से कार्टल वाले ड्रग्स को पैक करके यहां भिजवा देते हैं। मगर उनका ड्रग्स सर्कुलेट करने का तरीका काफी अजीब है। जो लोग ड्रग्स को पैक करके गार्बेज ट्रक में डाल देते हैं और इसी वजह से ड्रग कार्टल्स प्लस डॉक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग डॉक्स के थ्रू कचड़े में से ड्रग्स पैकेजेस की तलाश करवाते आ रहे। जो सब जानकर जेक को सब कुछ समझ आ जाता है, जो फिर कुछ सोचकर गार्बेज ट्रक का पीछा करने लगता है, क्योंकि उस गार्बेज ट्रक में ड्रग्स मौजूद थे, जिसका पीछा करते हुए वो एक साइट तक पहुंच जाता है जहां पर कुछ बैड गाइस डॉग्स के थ्रू कचड़े की तलाश करवाने लगते हैं। ऑब्वियसली वो डॉग्स के थ्रू कचड़े में ड्रग्स पैकेजेस की तलाश करवाना चाहते थे, जो सब देखकर जेक की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि उन डॉग्स में उसकी सॉक्स भी मौजूद थी। तो वो कुछ सोचकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर तगड़ी वाली गन फाइट चालू हो जाती है। मगर आने वाले गुंडे कुछ ज्यादा ही थे, जिससे वो अकेला भिड़ नहीं पाएगा, साथ ही उसे डॉग्स का भी सामना करना पड़ेगा। मगर जब वो पिंच में था, तब उसकी हेल्प करने के लिए एक पुलिस वाला आ जाता है। ऑब्वियसली पुलिस वाले शुरुआत से ही जेक पर नजर रख रहे थे, क्योंकि वो सीक्रेटली उसकी हेल्प करना चाहते थे। तो इस पुलिस वाले की हेल्प के थ्रू जेक ज्यादातर गुंडों को मरवा देता है। साथ ही उसे एक चाइनीज लेडी नजर आ जाती है, जो सॉक्स को लेकर बिल्डिंग में अंदर जाने लगती है, जो सब देखकर जेक की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि उसने इस लेडी को पहचान लिया था, क्योंकि ये लेडी चाइनीज ट्रक कार्टल की बॉस थी। तो वो लेडी को फॉलो करते हुए बिल्डिंग में चला जाता है, मगर लेडी उसे टॉन्ट करने लगती है कि सॉक्स अब मेरी हो चुकी है, जो तुम्हारे कोई भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगी। जो बात सुनकर जेक काफी ज्यादा अपसेट था, जो सॉक्स को बुलाने की कोशिश करने लगता है, मगर सॉक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। ऑब्वियसली सॉक्स को ड्रग्स का हैवी डोज दिया गया था, जिस वजह से वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो लेडी जेक को मारने के ऑर्डर्स दे देती है। मगर वो लास्ट टाइम पर ये बात भूल गई थी कि पुलिस डॉग को जर्मन कमांड्स में ट्रेन किया जाता है, जिसका फायदा उठाकर जेक जर्मन में लेडी पर हमला करने के ऑर्डर्स दे देता है। एंड सरप्राइजिंगली डॉग्स ने इस ऑर्डर को समझ लिया था, जो बड़ी खूंखार तरीके से लेडी पर हमला कर देते, जिससे बहुत बुरी मौत मारा जाता है। और इस लेडी के मरते ही चाइनीज ड्रग कार्टल खत्म हो चुका था, साथ ही एस की मौत को भी अवेंज कर लिया गया था। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब सॉक्स पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, साथ ही जेक और उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली थी, एंड एज अ रिजल्ट वो लोग माँ बाप बन चुके थे, जहां बच्चे को एस का नाम दिया जाता है। और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।